नमस्कार, मैं हूं राखी जैन और सत्ता संग्राम में आपका स्वागत करती हूं राजनीतिक विश्लेषक अनिल लोढ़ा जी और मेरे वरिष्ठ सहयोगी संयोग जैन के साथ। नमस्कार अनिल जी, झालावाड़ के लिए क्या कहेंगे? जो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का गढ़ है, खुद वो 5 बार वहां से सांसद रह चुकी हैं, उनका बेटा 3 बार दुष्यंत सिंह वहां से सांसद रह चुका है, 4थी बार फिर मैदान में है। उनके सामने कांग्रेस से प्रमोद शर्मा है। 16 चुनाव में 8 बार तो इनका परिवार ही जीता जी, 5 और 3। इससे पहले एक बार जुझार सिंह जीते थे, बृजराज सिंह क्षमा करें, फिर जुझार सिंह भी जीते, 2 बार चतुर्भुज वर्मा से एमपी रहे। ये जो सीट है बिल्कुल एक तरह जनसंघ का गढ़ है। जनसंघ के जमाने से जब बृजराज सिंह 2 बार एमपी बने तो जनसंघ के टिकट पर बने थे 67 में, 67 से। उसके बाद में चतुर्भुज वर्मा रहे जनता पार्टी के और बीएलडी से रहे, वो भी जनता पार्टी थी दरअसल 77 में, वो जनता पार्टी के लोग बीएलडी से चुनाव लड़े थे नाम टिकट पर, चुनाव चिन्ह पर, इसलिए तो 2 बार जनता पार्टी एक तरह से शासित वहाँ पे एमपी रही, काबिज रही। तो 8 और 2, 10 बार हो गए, 2 बार जनसंघ रही, 12 बार। तो 12 बार तो अब तक बीजेपी, जनता पार्टी और जनसंघ का कब्जा रहा है वहाँ पे, 4 बार कांग्रेस जीती है। इस सीट को तो मतलब बिल्कुल भाजपा का गढ़ भी कह दिया जाए, वसुंधरा राजे का गढ़ भी कह दिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। कांग्रेस ने एक प्रयोग किया है, प्रमोद शर्मा एक नौजवान स्टूडेंट लीडर था, वो दुष्यंत सिंह के खिलाफ मोर्चा ले रहे थे 4-5 साल से, विद्यार्थी परिषद से निकल के आए हैं वो, तो ये समझ के कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन कैपेसिटी प्लस बीजेपी के अंदरूनी कोई राजनीति और कुछ कई बातें समझ करके उन्होंने टिकट दे दिया। जब उनको टिकट दिया गया तो शायद राजस्थान के मीडिया में कोई जानता नहीं था कि प्रमोद शर्मा कौन है, हमें भी मालूम करना पड़ा कि प्रमोद शर्मा कौन है, विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता, बीजेपी से खिलाफत करके बाहर हुआ व्यक्ति और जुझारू और लड़ रहा है और ये सब बातें कही गई। कांग्रेस ने टिकट, बीच में ये आरोप लगा कांग्रेस ने टिकट वसुंधरा राजे से कंप्रोमाइज़ करके कोई झोली में डाल दिया है सीट को, पर वहाँ पर केवल और केवल अगर कोई मुकाबले में खड़ा हो सकता था प्रमोद जैन भाया का परिवार, उनकी पत्नी उर्मिला जैन या खुद प्रमोद जैन भाया जो इस वक्त मंत्री हैं, खान मंत्री हैं, वो लड़ते। तो अब प्रमोद जैन भाया के 12 उनके जिला उनके पास में, 4 विधानसभा क्षेत्र वहाँ के आते हैं, 4 विधानसभा क्षेत्र झालावाड़ के आते हैं, तो प्रमोद जैन भाया उन 4 विधानसभा क्षेत्रों की जिम्मेदारी लेके बैठे हैं जो 12 जिले की है, 12 जिले से खुद भी MLA और उनका बड़ा भारी प्रभुत्व है। हो सकता है वो 12 जिले की एक सीट से विधानसभा क्षेत्र से, 2 विधानसभा क्षेत्र से, 3 से या 4 से भी कांग्रेस को बढ़त दिला दें, संभव है, ये इस पर अचंभा नहीं होगा अगर ऐसा हो जाए तो। लेकिन वो बढ़त ऐसी नहीं हो सकती कि झालावाड़ से दुष्यंत सिंह को मिलने वाली बढ़त को कम कर दे, खत्म कर दे और प्रमोद शर्मा को जिता दे। तो इसलिए इसमें प्रमोद शर्मा ने कितनी मेहनत की है, कितना ऑर्गेनाइज चुनाव लड़ा है, कितनी कांग्रेस एकजुट हुई है, एकजुट होकर कुछ कह पाई है, लोगों को एड्रेस कर पाई है, नहीं कर पाई है, हालांकि अशोक गहलोत ने वहाँ जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वहाँ जाकर सभा को संबोधित किया है, नामांकन भराने भी गए हैं तीनों बड़े नेता, सब कुछ है, लेकिन इसके बावजूद भी भाजपा का और वसुंधरा राजे का गढ़ तोड़ना कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी टेढ़ी खीर है इस वक्त, मुझे ऐसा लगता है। सर, एक सबमिशन करना चाहूँगा, अभी बीजेपी ने क्या ट्रम्प खेल लिया, प्रमोद शर्मा जैसा आपने बताया कि विद्यार्थी परिषद के बैकग्राउंड के हैं और संघ के बड़े लंबे समय से कार्यकर्ता रहे, तो संघ की जो पोशाक है वही काली टोपी, सफ़ेद शर्ट और जो निक्कर पहनते हैं, उसकी एक फोटोग्राफ बकायदा सोशल मीडिया पर डाली है और उसका बिल्कुल प्रचार किया कि देखिए अब कांग्रेस की मजबूरी हो गई कि उनको हमारे यहाँ से निकले हुए कार्यकर्ताओं को ला करके चुनाव लड़ाना पड़ रहा है, तो वो उसको इस तरीके से इनकैश कर रहे हैं कि कांग्रेस के पास कोई कैंडिडेट ही नहीं था, इस चक्कर के अंदर उन्होंने प्रमोद शर्मा को चुना है, तो वो इस तरीके से सोशल मीडिया में प्रचार कर रहे हैं, माइलेज उनको कितना मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा भविष्य की बात है, पर वो हथकंडा उन्होंने ही अपना रखा है वहां पर अभी भी। ऐसा नहीं है ये समझ लें संघ वाले, ये भी अपना ही है, ये भी अपना ही है।